हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाउ अबाउट विद सुजय में। मैं हूं सुजय और आज के इस वीडियोज में जानेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में। जी हाँ, अक्सर यह सब लोगों के साथ होता होगा। कभी कभी हम कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं कोई वीडियो या अपने डिवाइस के माध्यम से स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, तो उसमें हमारी प्राइवेसी जैसा कि पासवर्ड, ईमेल और सारी डाटा, फ़ोटो वगैरह इस टाइप के भी रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो हमें एडिटिंग के दौरान मिटाने रहती है, यानी कि उसे ब्लर करना रहता है। तो आज के इस वीडियोज़ में हम सब यही सीखेंगे कि इंटरनल जो भी आपके डाटे हैं, जो आप दूसरे किसी को दिखाना नहीं चाहते, वो वीडियो एडिटिंग के दौरान उसे ब्लर कैसे किया जाता है, वो भी मोबाइल फ़ोन से काइन मास्टर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको काइन मास्टर इंस्टॉल करना होगा अपने डिवाइस में। काइन मास्टर इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। आप हमारे इस सेटिंग्स को और इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो सिंपल, हम यहाँ पर अपना काइन मास्टर ओपन करते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेनी है जिसे एडिटिंग करनी है या जिसे ब्लर करना है। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं और एमपीटी प्रोजेक्ट को चुन लेते हैं और मीडिया ब्राउजर में जाते हैं। मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद हमारे वो रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमने रिकॉर्ड किया, उसे सेलेक्ट करते हैं और उसमें आपको ब्लर करके दिखाते हैं। तो ये मेरा माना कि वीडियो है जिससे मैं, इसकी कुछ प्राइवेसी है, उसे मैं ब्लर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसमें जो आवाज़ है उसे बंद कर लेते हैं। जैसा कि आप पे देख पा रहे हैं, ये मेरा वो वीडियोज है और हमने यह वीडियो सैंपल के लिए बनाया। इसमें हमने कुछ पासवर्ड इंटर किए हैं और उस पासवर्ड को हम ब्लर करके दिखाएंगे। मोबाइल फ़ोन भी है, मोबाइल फ़ोन नंबर। इस तरह आप, अगर आपके कोई वीडियोज में फ़ोटो वगैरह है, कोई अननोन चेहरा है, तो उसे भी आप ब्लर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर वो कैसे किया जाता है। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अब तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बगल में दिख रही घंटे की तरह का आइकन उसे दबा दे ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो सिंपल, आपको अपने वीडियो को स्काइन मास्टर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि ऊपर माय पासवर्ड में लिखा हुआ है 1234XX करके, इस तरह आपका कोई अगर पासवर्ड है तो उसे कैसे ब्लर करेंगे। सिंपली आपको काइन मास्टर में ओपन करने के बाद लेयर आइकन पर क्लिक करना है। लेयर आइकन पर क्लिक करने के बाद इफेक्ट में इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। इफेक्ट्स में क्लिक करने के बाद बेसिक इफेक्ट्स में क्लिक करना है। यहाँ आपको दो तरह के इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, यानी कि दो तरह के ब्लर का ऑप्शन मिलता है, तो आप इसमें फर्स्ट वाला ले तो अच्छा है। तो हमने फर्स्ट वाले को ही सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको क्लिक कर देनी है और बैक जानी है। बैक जाने के बाद आप अपने इस लेयर पर क्लिक करें, गैसियन ब्लर जो लेयर है इस पर क्लिक करें और सबसे पहले तो आप इसे क्रॉप कर लें जितना साइज़ का आपको चाहिए। इस तरह से मास्क में जा कर के आप अपना आकार सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किस शेप में आप ब्लर करना चाहते हैं। तो हमने सेलेक्ट किया। आप अगर गोलाकार में चाहते हैं तो ये देख पा रहे हैं आप, इस शेप में जाकर गोला, अगर कोई फ़ोटो है तो गोलाकार में ले सकते हैं, यानी जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में यहाँ मिल जाता है। अपनी वीडियोज़ के अनुसार, अपने ब्लर कंटेंट के अनुसार इसका यूज करें। तो हम ये फ़िलहाल ये ले लेते हैं और इसको क्रॉप कर लेते हैं। हमें सिर्फ अपनी पासवर्ड को ब्लर करनी है। तो आपने देखा, हमने अपने सेलेक्ट किया और उसे इतना कट कर दी। तो इस तरह, ये मेरा माना कि मेरा पासवर्ड है और पासवर्ड को मैं इस तरह से ब्लर कर सकता हूँ। ये आप देख रहे हैं हल्का हल्का पासवर्ड अभी भी शो कर रहा है, इसलिए हमें जाना होगा इसके सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने पर इसके जो ब्लर क्वालिटी है इसे बढ़ा लेना होगा। और अभी आप देख पा रहे हैं, ये आपको इसे 20 तक बढ़ा सकते हैं। तो ये 5-4 पर ही बहुत अच्छी रहती है, आपको दिखती नहीं है अभी इस तरह। आपके पासवर्ड, अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो ब्लर हो चुका है। अब रही बात कि हमारा पासवर्ड में वीडियो के लेंथ के अनुसार हमें करना है, तो सिंपल आप उस लेयर पर क्लिक करें और आपके वीडियो में जितने देर तक पासवर्ड है
इतने देर तक इसे ड्रैग करके ले जाएं। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, और हम प्ले करके आपको दिखाते हैं। अभी आपने देखा ये मेरा पासवर्ड है, हम थोड़ा इसको ड्रैग करके आगे तक ला देते हैं ताकि पहले से पूरा कवर अप हो। इस तरह देख पा रहे हैं आप, अभी मेरा पासवर्ड जो है अब ब्लर हो चुका है। इस तरह आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी है आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में कंटेंट जिसे आप ब्लर करना चाहते हैं तो उसे इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। आपको एक बात बताना चाहेंगे कि हमने काइन मास्टर से रिलेटेड सेटिंग्स, एडिट और वीडियो एडिटिंग के बारे में और सारे वीडियो इस पर अपलोड किए हैं, उसे भी जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको काइन मास्टर के बारे में बेसिक्स और फुल नॉलेज हो जाए। तो इस तरह आप अपना पासवर्ड को ब्लर कर सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं पासवर्ड किस तरह हो रही है। एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हम इंटर कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे अपने कीबोर्ड में भी ये आइकन शो हो रहे हैं, यानी कि हमने टच का ऑप्शन इनेबल किया इसलिए हो रहा है। अगर आप में भी है तो आप इसे भी उसी तरह लेयर पर जा कर के आप अपने हम अब की बार इस लेयर को क्लिक करते हैं ब्लर कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह करने के बाद अगर हम कीबोर्ड पर कुछ भी इंटर करते हैं तो पता नहीं चलेगा। अगर चलता है तो इसकी जो क्वालिटी है उसे हम बढ़ा लेते हैं सेटिंग्स में जा कर के, और ये पूरा ब्लर कर देता है जिसके कारण हम कीबोर्ड पर क्या टाइप कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता। अभी आप देख पा रहे हैं हमारी जो टैप है वो दिखाई नहीं दे रही। तो इस तरह आप ब्लर कर सकते हैं। ये तो रही एक टाइप की ब्लर, और दूसरे टाइप की जो ब्लर होती है उसमें क्या होता है कि अगर कोई वीडियोज मोशन में है, जैसा कि आपके वीडियोज में कुछ कंटेंट है जो कि मूव कर रहा है, यानी कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर जा रहा है या इस साइड से उस साइड, तो आप उसे कैसे ब्लर कर सकते हैं। तो उसको ब्लर करने के लिए सिंपल आपको उसी तरह जानी है लेयर पर, और आपको एक ब्लर ले लेना है, अपने साइज के अनुसार उसे क्रॉप कर देना है। हम यहाँ पर एक गोलाकार ही ले रहे हैं, क्रॉप कर देना है। इसकी क्वालिटी आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं, अगर दिखाई दे रहा है तो बढ़ा ले, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, उतना ही रहने दे, इस तरह कर दे और इसको टैप करें। और जैसे कि आपका जो फ़ोटो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है धीरे धीरे, आपकी वीडियो में जो भी कंटेंट है वो यानी कि मूव कर रहा है, तो सिंपल आप सबसे पहले टॉप में जाए आपकी वीडियो में कहाँ से मूव कर रही है, उसके बाद आप इस पर क्लिक करें एनिमेशन पे। एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आप बैक जाए और इस तरह से आप करें। अगर साइड से आ रहा है साइड राइट से तो इस पर साइड राइट चुनें, अगर साइड लेफ्ट से आ रहा है तो लेफ्ट से चुनें, और साइड अप से आ रहा है तो साइड अप से, अगर डाउन से आ रहा है ऊपर से तो आप ऊपर से चुनें, और इसकी जो स्पीड है और ड्यूरेशन है वो बढ़ा लें अपने वीडियो के कंटेंट के अनुसार किस स्पीड में आ रही है। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर बढ़ा लिए, और इसको प्ले करके दिखाते हैं, माना कि जहाँ ब्लर है वहाँ पर कोई फ़ोटो आ रही है, जिसे हम प्ले करके आपको दिखाते हैं। इस तरह आप कोई भी वीडियोस को कर सकते हैं। देख पा रहे हैं भैया आप, धीरे धीरे ब्लर होता है ऊपर से नीचे की ओर। इस तरह आप अपने वीडियो में कोई भी इफेक्ट, कोई भी आपकी जो प्राइवेसी है उसे ब्लर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।